चलेगी नहीं चलेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया AK वाहतुक आघाड़ी की ओर से मानखुर्द पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री संजय वेर्णेकर एवं वाहतुक पुलिस इनके संगमत से ट्रक एवं डंपर ओवरलोड गाड़ी चालकों टैक्स चोरी करने वाले इन लोगों को इन पुलिस वालों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हमारी मांग है कि इन पुलिस वालों पर विभागीय जाँच हो, वह तत्काल उन्हें निलंबित करें। इस दौरान यह मांग जोन 6 के DCP के समक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के वरिष्ठ नेता अविनाश माथेकर जी द्वारा दिया गया। इसी प्रकार मुंबई कार्याध्यक्ष संतोष लाड जी का कहना था कि संजय वेर्णेकर जो है उन्होंने क्या किया, हम लोग को बोला चलो ये गाड़ी छोड़ दो, हम लोग RTO को बुला के कार्रवाई करवाते, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है। ठीक है, हम लोग निकल गए उधर से। निकलने के बाद उन्होंने हम लोग को लेके गए और लेके गए हम लोग के ऊपर ही कार्रवाई की। तो कोई चोरी करता होएगा, चोरी करने वाला चोर पकड़ा, हम लोग दिखाते हैं ये चोरी कर रहा है करके, तो ये फिरियादी को ही तुम ये कर रहे अटक कर रहे हैं, फिरियादी के ऊपर ही केस ले रहे और जो चोरी कर रहा है उसको छोड़ दे रहे, ये कौन सा कानून है। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के वाहतुक आघाड़ी के मुंबई उपाध्यक्ष सुभाष सालवे जी का कहना था कि देखिए 10 मार्च को रिपब्लिकन वाहतुक आघाड़ी की ओर से ओवरलोडिंग के खिलाफ आंदोलन किया था। इसकी कल्पना पूर्व कल्पना सीनियर PI को भी दी थी वेर्णेकर साहब को, उसके बावजूद हम लोगों ने उस दिन मानखुर्द चेकनाका है जो बंद गिरा हुआ वहाँ पे हमने 20 से 25 गाड़ी रुकाई जो ओवरलोडिंग थी, और रुकाने के बावजूद हमने पुलिस को कॉल किया, RTO को कॉल किया, उन लोगों को रिस्पांस कुछ पॉजिटिव न आते हुए हमने 10 पे पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुला लिया और पुलिस को रिक्वेस्ट की ये भले आपका काम नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं, पुलिस के अधिकार क्षेत्र नहीं आते, फिर भी उन्होंने हम लोगों ने पुलिस को हेल्प करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन के लिए हेल्प करने चाहिए। 15 से 20 लाख का महसूल प्रशासन का डूब रहा है, उस चोरी के खिलाफ हमारा आंदोलन था, भले हमारा तरीका गलत हो सकता है लेकिन हमारा काम नेक था, वो नेक काम ने पुलिस ने जानबूझ के हमको फंसाया गया, मीठा बात करके हम पुलिस चौकी लेके गए, हमारे खिलाफ केस दर्ज किया, कोई बात नहीं केस दर्ज किया, हम लोग ने गलती की ना केस दर्ज किया, लेकिन उनकी जो चोरी पकड़ी गई थी वो चोरी को छोड़ने का काम पुलिस ने बराबर किया, और इसके साथ पुलिस मिलीभगत है, पुलिस की मिलीभगत इन लोगों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। ये रिपब्लिकन वाहतुक आघाड़ी की मांग है, आगे भी हम लोग इस कारण आंदोलन जब तक वो सीनियर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक रिपब्लिकन वाहतुक आघाड़ी रास्ते पर आएगी और इसी आंदोलन की मांगनी करेगी। इसी बीच RPI के कार्यकर्ता बाला साहब पगारे जी का कहना था कि कारण है कि सरकार ने कानून बनाया है कि जो गाड़ी का कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड लेके नहीं चल सकती है, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में एक बोर्ड लगाया जाता है उधर कि हर सिविल में जो आदमी रहता है वो भी एक पुलिस रहता है, तो वाहतुक आघाड़ी एक सर्वसामान्य नागरिक देश का नागरिक करके वो जो पुलिस को मदद करना चाहती है तो पुलिस को मदद करने का काम किया और पुलिस ने उल्टा उनके ऊपर ही कुछ एक्शन ले लिया है, तो केस ले लिया है, तो हम उनका निंदा करते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों, जो काम कर रहे हैं वो पुलिस का ही काम कर रहे हैं, ये पुलिस ने काम करना चाहिए, पुलिस नहीं कर रही है करके ये लोग कर रहे हैं करके मैं उनका निषेध करता हूँ। मैं RPI के वरिष्ठ कार्यकर्ता महादेव साले जी का कहना था कि हमारा जो प्रतिनिधि वाहतुक आघाड़ी का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता ने वो पुलिस का मदद का काम किया, मगर तो फिर भी उनके ऊपर ही केस लिया गया है। जो लल्लू भाई पुलिस चौकी का सीनियर PI है, उन्होंने ठीक है कार्यकर्ता सरकार को मदद कर रहा है, लोडिंग गाड़ी आ रहा है बाहर से, तो वो गाड़ी के लिए लोडिंग गाड़ी होने की वजह से रास्ते पे रीति गिरता है, पत्थर गिरता है, किसको हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपना कार्यकर्ता वाहतुक आघाड़ी का कार्यकर्ता वहाँ पर उतर के उन लोग को गाड़ी रुकाने का काम किया था, मगर वो पुलिस को और गवर्नमेंट को मदद ही हो रहा था, फिर भी उनको कार्यकर्ता के ऊपर गाड़ी में डाल के समझदार बनाने वहाँ से लेके गया और उनके ऊपर ही केस किया, इसलिए हम लोग RPI की तरफ से चिमूर तालुके की वजह से वो सीनियर PI का मैं निषेध करता हूँ। संजय इंग्लैंड जी का कहना था कि रिपब्लिकन पार्टी वाहतुक आघाड़ी के उद्देश्य से 10 तारीख को हम लोग ने एक जगत नाका पे एक आंदोलन रखा था वाहतुक आघाड़ी की तरफ से, लेकिन वो आंदोलन हम लोग ने रितसर पद से हम लोग ने किया था, हमने उसमें कुछ नहीं खाली, हमने गाड़ी रुकाई थी कि घर लोड गाड़ी थी सब, तो वहाँ पे संजय कर सर वहाँ पे सीनियर साहब आए, सीनियर साहब ने बोला कि तुमने गाड़ी क्यों रुकाया, तो हमने सोचा गाड़ी सब ओवरलोड गाड़ी है इसके लिए हमने गाड़ी सब रुकाया था, तो गाड़ी को हम लोग ने उनके ताबे में दिया, 100 नंबर पर हमने कॉल भी किया था, तो गाड़ी पर वो लोगों ने कार्रवाई नहीं की और हमारे कार्यकर्ता लोग के ऊपर 6 जन पे वो लोग ने FIR दर्ज किया है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं संजय साहब का निषेध करता हूँ। RPI के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अविनाश माथेकर जी का कहना था कि ये जो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित वाहतुक आघाड़ी है उन्होंने 10 तारीख को कुछ
अनधिकृत व्यवसाय करने वाले गाड़ियों को रोका था, और रोकने के बाद जैसा उन्होंने वाहतूक विभाग से संपर्क किया तो उनको बताया गया पुलिस स्टेशन को बुलाओ। उन्होंने पुलिस स्टेशन को बुलाया, पुलिस स्टेशन ने आने के बाद वो गाड़ियाँ छोड़ दी, और हमारे कार्यकर्ताओं पे उन्होंने कुछ केसेस लिए। तो ये बात हम डीसीपी साहब को बताने आए थे, लेकिन डीसीपी साहब को ज़्यादा समय नहीं था, वो व्यस्त थे, तो हमारे ऐसी खड़े खड़े ही चर्चा हो गई उनके साथ। उनको हमने ये बताया कि ऐसा पुलिस स्टेशन ने किया है वो गलत है। इसके पहले इस विषय पे वाहतूक अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा की थी, उन्होंने साफ बताया कि उनके पास स्टाफ मौजूद नहीं है। 26 कुछ अधिकारी है, अधिकारियों की जगह है, उसमें से 20 अधिकारियों की जगह अभी तक वैसी वैकेंट पड़ी है, सिर्फ 6 अधिकारी उनके पास है। दूसरी बात, अगर ऐसे ओवरलोड ट्रक्स आ गए तो ट्रक्स रोकने के लिए उनके पास जगह नहीं है। पुलिस स्टेशन में खड़ा करने की तो जो पुलिस स्टेशन की परमिशन है वहाँ 2 ही गाड़ियाँ खड़ी रह सकती है वरली के पुलिस स्टेशन में। तो ये ऐसी अनास्था एक प्रकार से इसके खिलाफ चल रही है, और इसके वजह से जो ट्रक ओनर्स है, जो टेम्पो ओनर्स है, वो लोग भी परेशान है, क्योंकि ये गैर कानूनी मार्ग से ये लोग डबल लोडेड 2 ट्रक का सा माल एक ट्रक में लेके जाते हैं, तो दूसरे ट्रक वाले को काम नहीं मिलता है, तो वो लोग भी परेशान है। उनकी संगठना ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। कैमरा पर्सन सुचित्रा के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज़, मुंबई।